Hare Krishna, thank you very much for giving the opportunity to glorify the Srimad Bhagavatam and discuss. So, we are in the fourth canto. So, first of all, I was thinking yesterday, Shashwat Prabhu gave this sloka. Hari Bol Prabhuji, agar aap Hindi mein bole to jyada better rahega, kyunki hamare devotees mein jyada tar Hindi samajhte hain. So, yeah. तो मैं प्रयास करूंगा. थैंक यू. या तो मैं कल सोच रहा था कि हम कितना भाग्यशाली हैं. क्यों? डेली हमको ये भागवतम सुनने के लिए मिल रहे हैं, है ना, और पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, और एसोसिएशन मिल रहे हैं. कितना भाग्यशाली है ना. तो जैसे मैं कुछ दिन सेवा के लिए, कुछ दिन जैसे भक्ति वेदांता स्कूल है ना, हमारा भक्ति वेदांता स्कूल, तो उधर रहता हूँ कुछ दिन, और कुछ दिन इधर इस्कॉन चिकू में रहता. तो पहली बार मैंने उधर देखा था. तो जब हम तुलसी आरती होने के बाद तो हम कुछ रिसाइट करते, कभी ब्रह्म संहिता रिसाइट करते हैं, चैतन्य शिष्टाष्टकम रिसाइट करते हैं, है ना, तो षट गोस्वामी अष्टकम से रिसाइट करते हैं. तो पहली बार मैंने उधर देखा था, उधर गीता महात्म्य रिसाइट कर रहे, है ना, गीता महात्म्य. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी चीज हमको मिल रहे हैं तो वो चीज को वैल्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट, राइट. जैसा हमें हमको भक्ति मिला है, भक्ति प्रोसेस मिला है, भक्ति कर रहे हैं, तो ये चीज हमको हमेशा हमको रिमाइंड करते रहना चाहिए. तो हम कितने भाग्यशाली है, क्योंकि ये प्रोसेस मिला है, हम कर पा रहे हैं, तो ये हमको रिमाइंड करना चाहिए. क्योंकि जब हम वैल्यू नहीं करते हैं ना किसी चीज का, वो हमसे लिया जाएगा. इसलिए हमको डेली उठते वक्त हम सोचते हैं ना, थैंक यू बोलते हैं ना भगवान को, भगवान थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, तो ये मौका देने के लिए आपका भक्ति कर सकूं, आपका नाम ले सकूं, है ना. तो ये प्रार्थना करते हैं ना, तो ये इस तरह हम कर सकते हैं. तो ये इस तरह ये श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम का अनेक ग्लोरी है. जैसे मैं सुन रहा था कि व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे, तो उनका गुरु को पता चल गया. कौन थे? नारद जी. तो नारद जी आए, माय डियर प्रभु, बोल रहे व्यासदेव को, माय डियर प्रभु, आर यू सेटिस्फाइड, है ना, आपने इतना बड़ा किया है. क्या किया है? वेदम का चार विभाग किया है ना? और उपनिषद लिखा है, पुराण लिखे हैं, है ना, और वेदांत सूत्र लिखे हैं, है ना. तो ये सब लिखने के बाद, है ना, सोचे कि ये बड़ा लोगों को समझ में आएगा. फिर जो पता आश्रय वैश्य शूद्राना, तो उनको तो जो उनको तो समझ में नहीं आएगा, उनके लिए क्या करें, तो इसलिए महाभारत लिखे. तो फिर भी संतुष्ट नहीं थे. पूछ रहे नारद जी, पूछ रहे किसको? पूछ रहे व्यासदेव को. पूछ रहे आप संतुष्ट हैं? तो बोल रहे आई एम नॉट सेटिस्फाइड. यस, मैंने इतना किया हूँ, बट फिर भी आई डोंट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना, क्यों मैं असंतुष्ट हूँ. तो बहुत अच्छा है, तो गुरु जी से पूछे हैं, गुरु जी बताएंगे हमारा कमी क्या है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं. तो नारद जी बताया, आपने बहुत अच्छा किया है, बट भगवान का जो एक्सक्लूसिव ग्लोरी है वो आपने नहीं की. आपने वेदांत के सूत्र में बताया, ये सारा बताया, बट जो एक्सक्लूसिव, मतलब जो भगवान का ग्लोरी है, अनंत लीला है, उनके बारे में चर्चा नहीं की, इसलिए आप असंतुष्ट. तो इसलिए इसके बाद श्रीमद् भागवतम लिखते हैं, पूर्ण संतुष्ट हो जाते. तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है पका हुआ फल, है ना. तो व्यासदेव ने अपने मेच्योरिटी स्टेज में लिखे, है ना. तो भक्त लोग इधर उधर पढ़ते रहते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, बट हम श्रीमद् भागवतम एक सफी से श्रीमद् भागवतम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ना, सब जो बोलते हैं ना, तो बीमारी है वो बीमारी, मतलब बवा रोग बोलते हैं, शरीर का बीमारी तो होते रहेंगे, तो बवा रोग ना, जो मटीरियल डिसीज, दैट इज रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, पुनरापि मरणम पुनरापि जननम, इससे ऊपर उठ जाए ना?
इसलिए श्रीमद् भागवतम स्टार्टिंग में इसका ग्लोरी क्या बोल गाते हुए व्यासदेव लिखते हैं, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम शुकमुकाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका हुवि भावुका, है ना, इस तरह का वो फल है। तो हमको ये मौका मिल रहा है, तो वी शुड बी वेरी फॉर्चुनेट, वी शुड फील द फॉर्चून लाइक दैट। तो इधर संवाद चल रहे मैत्रेय जी विदुर जी के बीच, मैत्रेय जी बता रहे विदुर जी को तो क्या हुआ था दक्ष एंड शिव जी के बीच में, है ना। तो दक्ष क्या चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, तो बट सफल हुआ क्या, क्यों, है ना। तो यज्ञ करना तो अच्छी बात है ना, तो फिर सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दक्ष जी एक चीज भूल गए तो वैष्णव का ब्लेसिंग, है ना। तो लॉर्ड शिवा द वैष्णवा नाम यथा शंभू, तो ऐसा बोला जाता है शिव जी वैष्णव में श्रेष्ठ हैं, बट उनके प्रति क्या किए, अपराध किए, तो उसकी वजह से क्या हुआ। तो वो चाहते हैं यज्ञ अच्छा के लिए चाहते हैं, यज्ञ तो अच्छा होता है, सबका अच्छा होता है, जो यज्ञ में भाग लेते हैं, यज्ञ का प्रसाद लेते हैं, सब का भला हो जाए, है ना। तो वो भला चाह रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ क्योंकि, है ना, वैष्णव का ब्लेसिंग्स नहीं दी। मेरा अनुभव रहा, है ना, तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ और प्रचार करता हूँ, तो जब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते वक्त, है ना, मैं प्रभुपाद को प्रणाम करता हूँ, गुरु महाराज को याद करता हूँ, है ना। तो फिर मैं देखता हूँ उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है और इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है मेरे को। तो अगर वही में चीज स्टार्टिंग में हम करते थे, चलो भाग दौड़े हैं जो करना है बोला है, तो फिर भाभी कभी 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 हम प्रणाम नहीं करते हैं, और सीनियर्स हम जब चाहते वक्त हम सीनियर्स का ब्लेसिंग लेते हैं, प्रभु जी हम जा रहे हैं प्लीज ब्लेस मी और हमारे लिए प्रार्थना करिए करके हम पूछ के जाते हैं ना, तो उस टाइम कभी कभी नहीं हो पाता, तो उस टाइम तो पता है रिजल्ट क्या आता है, कभी कभी आ जाते कभी कभी नहीं आते, वो तो सबको पता है, वो तो कर्मा का फिलॉसफी है ना। बट जब हम वैष्णव का ब्लेसिंग्स लेते हैं वो तो श्योरिटी है, तो वो तो रिजल्ट आएगा। तो ये था, तो जब हम वैष्णव का ब्लेसिंग्स लेते हैं ना, असंभव चीज भी संभव हो जाती, जैसे चित्रकेतु महाराज, चित्रकेतु महाराज आप सुने हैं भागवतम का 6th कैंटो में आते हैं, तो चित्रकेतु महाराज के डेस्टिनी में, है ना, तो लिखा है विधि लिखा है उनका पुत्र नहीं होगा, तो इसलिए 1 करोड़ विवाह किया, है ना, क्वींस थे, फिर भी कोई पुत्र नहीं था, है ना। तो उसके लेकर वो बहुत चिंता में थे, है ना। तो हमको सब कुछ मिल जाते हैं, है ना, कुछ एक चीज भी छोटा चीज भी नहीं मिला है ना, तो उसको लेकर हम बैठ जाते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मभूत नहीं है ना, हम जीवभूत जीवभूत है, जीवभूत मतलब जीवात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, है ना, जीवभूत परेशान आत्मा सोचती कांक्षति, है ना, सोचते रहते हैं कांक्षा करते रहते, तो जीवभूत तो इस तरह। तो चित्रकेत महाराज ये सोच रहे थे अरे पितृ नहीं है पुत्र नहीं है, तो मैत्रेय जी सॉरी उधर अंगीरा ऋषि, है ना, अंगीरा ऋषि पहुंचे उधर, तो जब ऋषि आते हैं तो अच्छा सत्कार किया, स्वागत किया उनका, चरण धोए, तो फिर उनको अच्छे से बेडिंग दिया, फिर अच्छे से प्रसाद खिलाया, फिर इसके बाद शांति से बैठ के फिर पूछते हैं। तो अंगीरा ऋषि इनको देख के समझ में आता, जैसे मैंने पहले बताया था फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो माइंड में जो चल रहे हैं तो फेस में दिखाई पड़ता है ना, तो फेस को देख के फिर समझ में आ गया अंगिरा ऋषि को, पूछे अगेन सेम क्वेश्चन प्रीवियसली आल्सो नारद जी पूछे व्यासदेव को द सेम क्वेश्चन हियर आल्सो, है ना, आप संतुष्ट हो, है ना, तो आपका जो परिवार है जो राज्य है अच्छा चल रहे हैं ना, ये अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, है ना, तो क्या है आपका, तो कारण
जो, तो फिर राजा ने बताया, तो बहुत अच्छा है बट एक चीज का चिंता है। क्या है चिंता? तो पुत्र नहीं है, तो हमारा जो वंशज है, जो एंसेस्टर्स बोलते हैं, तो वो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिंडदान नहीं होगा, पुत्र नहीं, तो पुत्र का मतलब क्या है कि भू नामक नरक से बचाते, एक नरक का लोक होता है भू नामक, तो उससे बचाते। जब वो पुत्र पिंडदान करते हैं, पिंडदान का मतलब क्या है कि भगवान को ऑफर किया है जो उच्चिष्ट है, जो प्रसाद है, वो एंसेस्टर्स को ऑफर किया जाता है। जब एंसेस्टर्स उधर ये प्रसाद पीकर गाते हैं, तो फिर उनका जो पाप है धुल जाते हैं, फिर वो उधर उससे बच जाते, इस तरह। तो फिर वो बताया कि हमारा एंसेस्टर्स, मेरे को भी नरक जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पुत्र नहीं है। फिर अंगिरा ऋषि ने समझे कि अभी ये चाहते हैं पुत्र, अभी इनको प्रचार किया भी वो सुनेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है कुछ चीज चाहते हैं, उनका पूरा मन उधर है ना, अगर वो पूरा मन उधर है तो हम जो भी चीज बताए एक्सटर्नल चीज वो सुनेगा नहीं, है ना। पूरा मन परिवार में है, लगा है, तो जब हम भक्ति के बारे में बात करते हैं तो कैसे होगा? इस कान से सुन रहे बस, है ना, इस कान से सुन के इस कान से चले जा रहे, है ना, तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो दूर से समझे, फिर क्या किया अंगिरा ऋषि ने, ठीक है अभी इनका पूरा मन है, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, है ना। तो यज्ञ किया, है ना, यज्ञ के करने के बाद जो उससे उच्छिष्ट है, जो प्रसाद है, बड़ा क्वीन की क्वीन, उनका नाम है कृतद्युति, कृतद्युति को दिया। तो कालांतर में कृतद्युति को तो पुत्र हुआ, तो पुत्र होने के बाद तो सब जैसे, जब अभी तक पुत्र नहीं था पुत्र नहीं था पुत्र नहीं था, जब पुत्र होने के बाद पुत्र का प्रति हो, है ना, तो फिर पूरा समय पुत्र के स्पेंड कर रहे थे, बाकी रानियों को तो इन्वेस्ट पड़े, तो फिर उनको जहर लेके मार दी। तो ये बताना चाहता था कि असंभव चीज भी संभव होता है जब, है ना, क्या होते हैं, साधु का कृपा मिल जाए और डिवोटी का कृपा मिलता है ना। तो उनका डेस्टिनी में था पुत्र नहीं था, बट अंगिरा ऋषि ने यज्ञ किया तो फिर वो पुत्र प्राप्त हुआ। ये अलग बात है, आगे चल के उनका पुत्र का मृत्यु हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या है कि वो उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, फिर के तो महाराज को भक्ति में आगे बढ़ाने, हम पांडव को भी एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। पांडव 14 साल वनवास में थे, तो कैसे थे, दुखी थे नहीं, तो साधु का सेवा कर रहे थे, आनंद में थे, तो है ना। बाद में आई थिंक कोई तो बोलते हैं कि जब हम वन में था वही अच्छा था, है ना, वो दिन बहुत अच्छा था करके वो याद करते हैं। जब शहर में आ जाते हैं वो, क्योंकि राज्य पालन करना था, तो सब याद करते हैं, तो जब हम वन में थे सब साधु आते थे, उनका हम अच्छे से सेवा करते थे, तो याद करते। तो इस तरह तो जैसे परीक्षित महाराज बोलते हैं, जैसे ये 18 दिन में युद्ध जीत लिया पांडव, तो ये इतना आसान है क्या? नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये समुद्र जैसा है, समुद्र में स्विमिंग करना आसान है क्या, और उसके ऊपर शार्क तिमिंगल जैसे मछली है ना। तो ये महाभारत युद्ध वैसे ही है ना, तो भीष्म द्रोणाचार्य, तो उनको जीत लेना आसान है क्या? बट क्या होता है, जब वो युद्ध होने से पहले, है ना, तो युधिष्ठिर महाराज एंड अर्जुन, तो अर्जुन रथ को लेके आते हैं, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, ये क्यों रथ को बीच में क्यों लेके आ रहे, है ना, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, तो युद्ध चाहते हैं ये क्या है, उनको इधर ही मार दे, है ना। तो फिर भीष्मदेव एंड द्रोणाचार्य रुकते हैं, नहीं, तो अभी लेके आ रहे तो कुछ तो होगा, है ना, तो लेके आते हैं। फिर इसके बाद भीष्मदेव का एंड द्रोणाचार्य का प्रणाम करते, है ना, प्रणाम करते करके
उनका आशीर्वाद लेते हैं, है ना, मैं कैसे मार सकूं आपको, है ना, ऐसे सामने पूछ रहे हैं कि आपको कैसे मारूं, है ना, कि तो बोलते हैं कि जब तक मेरा धनुष मेरा हाथ में है ना, कोई भी मेरे को मार नहीं सकते। तो भीष्म देव बताते हैं, द्रोणाचार्य बताते हैं इस तरह। तो फिर भी आशीर्वाद लेते हैं, फिर देखा तो आशीर्वाद से है ना वो युद्ध जीत लिया ना। तो हम सुन रहे हैं कि जब वो साधु का आशीर्वाद मिलता है तो असंभव चीज भी संभव हो जाता है ना, बट जब आशीर्वाद नहीं है तो उनका स्तुपा का ऑब्जेक्ट बन सॉरी एंगर का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो हम देखा तो इंद्र के जीवन में क्या हुआ, इंद्र फिर उनका क्या बोलते हैं ऐश्वर्य में देख नहीं पाए, गुरु जी आए है तो बट उनको आदर सम्मान नहीं। तो बाद में क्या हुआ हम सब सुने 6 घंटों में। इसलिए हम जब भी हम कोई भी कार्य है करने से पहले डिवोटीज का साधुओं का है ना आशीर्वाद मांगना चाहिए। जैसे मैंने बताया था जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाता था तो पहले मैंने प्रणाम करता था, तो श्रील प्रभुपाद कहेंडे और गुरु महाराज ने आशीर्वाद लेके जाता था तो उसका रिजल्ट कैसे मिलता था। तो बट जैसे हम अपराध बढ़ जाते हैं फिर उसके कारण क्या हो जाता, हम देख नहीं पाते है ना, तो हमारा नॉलेज डक जाता, फिर हमको बातों से नहीं तो लातों से सुनना पड़ता है। तो तब साधु है सब बोला जाता है साधु वैद्य। तो साधु अपना जो क्या है होते हैं आसक्ति को काटते हैं अपना वचन से शब्दों से है ना। तो और कभी कभी जैसे हम भागवतम में सुने है ना किसी को कर्त मिला है, तो 10th कैंटो में हमने सुना है ना नारद जी कर्त देते हैं, किसको कर्त देते हैं नारद जी, किसको कर्त दिया, तो नल की वेर को, नल कुबेर जानते हैं ना, नल कुबेर, नल कुबेर को कर्त दिया ना। तो बट उनके बला के लिए, तो बाद में क्या हुआ कृष्ण का दर्शन हुआ है ना, तो फिर वो लोग सोचते हैं उस टाइम कि अच्छा हुआ कर्ज मिल गया क्योंकि मैं भगवान का दर्शन हो गए, है ना, सही बात है ना। तो साधु जो भी करते हैं भला होता है, ये हमको विश्वास होना चाहिए। तो ये चीज है, बट हमने बताया था बातों का लातों का भूत बातों से कैसे सुनेगा। तो दक्ष तो ऐसे ही थे, तो इतना अपराध किए तो उनको पनिशमेंट मिला, तो शिव जी ने पनिशमेंट दिया, क्यों, वो भी कृपा है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए थे, वो भी कृपा है। बाद में बताते दक्ष जी भी बताते कि आपने एक फादर जैसा मेरे को करेक्ट किया है, फादर का ड्यूटी है करेक्ट करना, सही बात है ना, अगर करेक्ट नहीं करेंगे तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना, तो ऐसे फादर यू करेक्टेड मी, है ना, तो ये आपका बहुत बहुत कृपा है। तो दक्ष जी समझ जाते हैं। तो ये अपराध के कारण पूरा वो क्या हुआ था, तो शिव जी का पार्षद आए तो उनका पूरा यज्ञ को ध्वंस किया, तो करने के बाद उनका सर अलग किया दक्ष का। तो होने के बाद तो सब लोग समझ में आ गया, तो मेरा गलती हो गया, देवता लोग भी समझ में आ गया तो गलती हो गया, तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी भी उनको डांटते, तो आप कैसे हैं। तो फिर इसके बाद सब लोग जाके फिर शिवजी को पसीपाई करते, तो शिवजी कभी क्रोध में नहीं रहते, तो क्या क्रोध करना है ना। तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, तो फिर शिवजी बेनिडिक्शन देते हैं, तो जो दांत टूट गया उनको इधर से आप लोग प्रसाद दे सकते हैं, इनका दांत यूज कर सकते हैं, जो मुस्टाच कट गया उनका मुस्टाच यूज करिए है ना, जो दक्ष जी हैं तो दक्ष जी का जो सिर कट गए थे तो उनका यज्ञ में जो पशु ऑफर करने वाले थे तो उनका पशु का सिर लगाया जाए है ना, वो बकरे का है ना, तो सिर लगा देते हैं बाद में। तो
तो जैसे तिल लगाने के बाद वो होश में आ जाते, होश में आके फिर सामने देखते हैं कि कौन है, शिव जी है। तो शिव जी की देख के तो उनका जो मन में जो भी था, एनवी, एंगर, क्रोध, अहंकार था, वो पूरा धुल जाता। फिर वो समझ में आते हैं कि मेरी वजह से मेरा पुत्री का देहांत हो गया, तो वो विलाप करते, फिर अपने आप को संभाल के फिर शिव जी को प्रार्थना करते। शिव जी को प्रार्थना करके फिर यज्ञ चालू करने लगते हैं। ये यज्ञ को, यज्ञ में जो घी आहुति देते हैं, जैसे आहुति देते हैं फिर विष्णु आ जाते। तो कितना शुद्धता होगा, सही बात है ना? उस टाइम तो ऐसे बोला जाता है ना, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। शुद्धता जहां पे होगा भगवान उधर ही आएंगे, सही बात है ना? तो पहले के समय पे तो देवता लोग भाग लेते थे यज्ञ में आके, तो इधर खुद विष्णु जो यज्ञ पति आए तो यज्ञ का शेयर लेने के लिए। जैसे विष्णु आते हैं, लॉर्ड विष्णु, तो 8 भुजा रूप में आते हैं। जैसे 8 भुजा के रूप में आते हैं तो सब लोग देख के कड़ा हो जाते हैं, फिर उनका स्तुति करते हैं। सब लोग स्तुति हमने सुने हैं प्रीवियसली, तो इसलिए बोला जाता है भगवान को स्तुति प्रिय। भगवान को बोला जाता है स्तुति प्रिय। स्तुति प्रिय का मतलब है, जैसे आपको मैं ग्लोरीफाई किया, ध्रुव प्रभु बहुत अच्छा गाते हैं है ना, बहुत अच्छा क्लास देते हैं, तो प्रभु जी को अच्छा लगता है ना, जैसे मैंने उनका स्तुति कर रहा है ना। तो स्तुति है ना, फ्लैटिंग नहीं होना चाहिए, जो चीज है वो है देख रहे हैं उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए हृदय से, है ना? तो भगवान भी समझ जाते हैं ना आप किस भाव से कर रहे हैं करके, है ना? तो वही चीज, तो भगवान के सामने जब हम आते हैं ना, प्रणाम करने के बाद हम स्तुति करना चाहिए भगवान का, है ना? जैसे बहुत सारा स्तुति है हम भागवतम में पढ़ते हैं, तो कुंती महारानी का हो गया, भीष्म जी का हो गया, ध्रुव महाराज का हो गया, है ना, एंड प्रहलाद महाराज का हो गया, है ना, अलग अलग स्तुतियां हैं, हमको रिपीट करना चाहिए। प्रभु जी मेरे को याद नहीं रहता, नहीं तो आप मोबाइल ले लो या लिख के रखो, प्रिंट आउट ले लो, भगवान के सामने आके आपको हृदय से जो पहले फर्स्ट पढ़ के आ जाना। पढ़ के आ जाना मतलब इन द सेंस, जैसे आप ये स्तुति हम कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है हमको पता होना चाहिए ना, भगवान को क्या मैं ऑफरिंग कर रहा हूँ तो पता होना चाहिए ना। और जब हम भगवान के आते हैं फिर मांगते रहते मांगते रहते मांगते रहते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, भगवान भी सोच रहे हैं, मांग रहे मांग रहे मांग रहे, है ना? तो कैसा लगता होगा भगवान? तो हमेशा मांगना नहीं, पहले देना भी है। तो इस तरह भगवान तो हमका सबका पिता है, पति है, सब कुछ है ना, तो भगवान देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? तो फिर प्रार्थना हृदय से करना चाहिए, स्तुति प्रिय, सो लाइक दैट, है ना? और टेक्स्ट नंबर 47 में स्तुति, जैसे 48 49 है आज हम डिस्कस करने वाले, 47 में हमने देखा, तो उसमें बताते कि बहुत अच्छा बताते हैं कि जो चैंटिंग करने से, जो हरे कृष्ण महामंत्र करने से सब कुछ सफल हो जाते हैं, तो बाकी चीज करने की जरूरत नहीं, सिंपली बाय चैंटिंग, है ना? तो जब भगवान से सामने आते हैं, अगर आपको स्तुति याद नहीं आ रहा या कुछ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र इज ऑल्सो ए प्रेयर, राइट? तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी सेवा में लगाए, भगवान आप अपनी सेवा में मेरे को लगाइए, तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा दीजिए सेवा दीजिए करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। तो जो भी कार्य करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र करने से उसका जो पीछे फॉल्ट है ना वो खत्म हो जाता है। ये कौन बताते हैं? शुक्राचार्य भी बताते, जब बोलते हैं ना बलि महाराज उनको छोड़ने के बाद, तो पूछते हैं भगवान है ना, उस टाइम तो बताते ये ग्लोरी ऑफ होली ने, तो जो भी कार्य है, कार्य लेते वक्त, करते वक्त, कार्य करते वक्त, शुरू करने से पहले, एंड में भी होली नेम ले सकते हैं, होली नेम सर्वत्र है, हम तो हमेशा ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और आज की श्लोक में 48 में तो एक ही करने जा रहे हैं, और 49 में
जैसे 49 का श्लोक ट्रांसलेशन एक बार पढ़ लेता हूँ। भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभाष आवश्य प्रियमाना इवानगा। ट्रांसलेशन मैत्रेय कंटिन्यू। माय डियर सिनलेस विदुरा, लॉर्ड विष्णु इज एक्चुअली एंजॉयर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस एंड बिकॉज ऑफ हिज बीइंग द सुपर सोल ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज ही वॉज सैटिस्फाइड सिंपली विथ हिज शेयर ऑफ सैक्रिफिशियल ऑफरिंग। भगवान क्या है? भगवान है एंजॉयर ऑफ ऑल, प्रभुपाद भी लिखते हैं परपट में, एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस पेनांसेस एंड ऑस्टेरिटी। ऐसे क्यों? हम जो भी चीज कार्य करें वो कौन एंजॉयर है? भगवान। ऐसे क्यों? भगवान भी बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभुपाद को आके पूछे तो भगवान तो हो गया पूरा अहंकारी है ना, ये देखो क्या बोल रहे हैं ना, मेरे को सरेंडर करो, सब कुछ मेरे को अर्पण करो, है ना, ये अहंकार ही है, जो अहंकार भी कार है ना। तो बोलते हैं, फिर रूपा बोलते हैं अहंकार किसकी बात की, आप कंपनी में जॉब किए हो, करते हो, करते हैं, तो आप आपके बॉस आते हैं, तो बॉस आके बोलते हैं कि मैं MD हूँ, है ना, जो भी कार्य करते हैं मेरे को क्या बोलते हैं सबमिट करो, ये अहंकार है क्या? सच बोल रहे हैं ना, गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, सही बात है ना। तो भगवान आके बोल रहे हैं तो फिर गलत थोड़ी ना है, भगवान सही बोल रहे हैं, भगवान एंजॉयर है। एक बार एक डिवोटी प्रभुपाद बोलते हैं, है ना, प्रभुपाद बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज मेड अप फॉर एंजॉयमेंट, है ना, ये जगत बना है एंजॉयमेंट के। तो डिवोटीज खुश हो गए, एंजॉयमेंट, है ना, तो प्रभुपाद तुरंत बोलते हैं कि नॉट फॉर अस इट्स फॉर कृष्णास, है ना, हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं, है ना, कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए, है ना, ये जगत। तो इस तरह और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान है ना 16,000 का विवाह किया है, भगवान लस्ती है, भगवान लस्ती नहीं है, भगवान क्या बोलते हैं रसराज है, भगवान अपने आप को विस्तार किया है, हम भी भगवान का विस्तार है ना, भगवान भी चाहते हैं हम उनकी लीला में सम्मिलित हो, है ना, बट हम अलग हो गए, है ना, तो भगवान एंजॉयर है, तो वी आर एंजॉयड, है ना, हम भी टाइनी गॉड से बट वे एंजॉयड, है ना, जैसे हाँ आप, जैसे मैं बहुत बार डिस्कस किया है ना, इधर साइड में कुछ पेड़ दिख रहे थे, है ना, तो पेड़ में हम पानी डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं, पत्तों में डालते हैं क्या? नहीं ना, रूट में डालते हैं ना, तो और जब भोजन है और प्रसाद है कहाँ पे डालते हैं? मुंह के द्वारा पेट में डालते हैं, सही बात है। फिर कुछ लोग बोलते हैं ना, अब भगवान को सेवा करने से क्या मिलेगा, अब पेट में प्रसाद डाला ना तो क्या मिला आपको, पूरा शक्ति मिला ना, और इस तरह रूट में पानी डालने से पूरा नरिशमेंट हो जाता है, इस तरह भगवान एंजॉय रहे, हम जो भी चीज हम भगवान को ऑफर करने से, है ना, ऐसे नहीं है हम कोई लॉस में आ गए, नो, तो वी आर ओनली इन हमारा ही बेनिफिट होगा। जैसे ये प्रहलाद महाराज बताते, जब आप मिरर के सामने आते तो अपने आप को अच्छे से डेकोरेट करते, तो मैं अपने आप को डेकोरेट करने के बाद देखते हैं मिरर, तो मिरर के जो प्रतिबिंब है वो भी डेकोरेट हो गया, सही बात है, इसलिए बोला जाते हैं तो डीटीज को अच्छे से डेकोरेट करने से हम भी ना ब्यूटीफुल दिखते हैं, तो आपको ब्यूटीफुल दिखना है तो अपना जो ब्यूटीफुल दिखने का जो इच्छा है तो वो आप पूर्ण कर सकते हैं, कैसे है तो भगवान को अच्छे से श्रृंगार करके, अच्छे से डेकोरेट करके, वो हमको सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो हमको इच्छा खत्म हो जाती है, जो भी चीज है हमको इच्छा लग रहे हैं ना वो कृष्ण कॉन्शियस बना है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है कि डाउनफॉल का कारण बन सकता है, क्योंकि माया का तो वही, जो आसक्ति जहां पे आसक्ति है वो माया उधर ही अटैक करेगा, तो ये चीज है, कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉय, है ना, जैसे भगवद गीता 5.29 प्रभुपाद भी कोट किया, भुक्ता राम यज्ञ तपसाम
सर्वलोका महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिरुच्यते। तो पीस फॉर्मूला है ना, आप लोग कभी मन असंतुष्ट हो गए है ना, कभी कभी परेशान हो जाते हैं है ना, बस शांति से बैठिए और भगवद गीता 5.29 खोलिए और पढ़िए और रियलाइज करिए, विचार करिए उस श्लोक पे ऊपर विचार करिए है ना, तो फिर समझेंगे ये तो फिर खत्म हो जाए है ना। तो जो भी चीज का कारण है कि हमारा अहंकार हमारा एनवी, तो ये फॉल्स ईगो, ये हमारा क्या है कि दुख का कारण, और बॉडीली कॉन्शियस, बॉडीली कॉन्शियस मतलब फॉल्स ईगो को ना, तो ये कारण है। जब हम ये पढ़ेंगे हम समझेंगे अपने आप को क्या है हमारा, तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास है तो दास का ड्यूटी है क्या है कि सेवा करना है ना, किसकी सेवा करना, मालिक का, कैसे सेवा करना, जो मालिक बोलेंगे वैसे मालिक सेवा करना, जैसे आप लोग कुकिंग करते हैं है ना, कुकिंग करते हैं तो कुछ भी बना देते हैं क्या, नहीं है ना, एक सिस्टम रहता है कैसे बनाना है, तो टेस्टी बनाना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालना है ना, तो उस तरह फॉलो करते हैं, सही बात है ना, क्यों आपको पता है। फिर इस तरह जो खाने वाला है उनके हिसाब से बनाएंगे, सही बात है, आप लोग भी खाते हैं आपके हिसाब से बनाते हैं, तो सब लोग खाना पड़ता है, जो बनाए वो खाना पड़ेगा ऐसा नहीं, तो भगवान तो ऐसे नहीं है ना, भगवान तो मालिक है, तो भगवान हमारा खिलाने से, खिलाने के ऊपर निर्भर नहीं है भगवान है ना, आत्मा राम है जैसे भगवान, फिर भगवान क्यों बोल रहे हैं, फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहदम, क्यों बोल रहे हैं मेरे को खिलाओ पत्र है ना, तो क्यों बोल रहे हैं, तो हमारा तो भगवान तो भूखे है क्या, भगवान भूखे नहीं, आत्मा राम है। देखो ब्रह्म संहिता में 5.2 क्या बोला गया, चिंता मणि प्रकर सत्व शुकल्प वृक्षा लक्षा वृतेश सुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, भगवान कौन है, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी भी क्या भगवान की सेवा करना चाहती है ना? इतना सेवा हो गया कि झाड़ू लेके फिर वो ग्रूमिंग कर रहे हैं कि ये सेवा एटलीस्ट एज दो सेवा करूँ है ना भगवान की, इतना लक्ष्मी आए अनंत लक्ष्मी आए उधर, तो वो झाड़ू कर रहे हैं उधर, दश तोड़ी ना होता है वैकुंठ में, दश तोड़ी ना है ना, कचरा तोड़ी ना है, फिर भी लेके झाड़ू कर रहे हैं है ना, कैसे संभ्रमानम ओ एन एडोरेशन रेस्पेक्टफुली है ना, वो लक्ष्मी है ना भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, वो लक्ष्मीपति है ना, वो हमारा जो ऑफरिंग चाहते हैं क्या, भूखे हैं क्या भगवान अपना ऑफरिंग का, तो कमी थोड़ी ना है भगवान को, तो कुछ कमी नहीं है, फिर भी कमी है, भगवान खुद बोलते हैं क्या कमी है कि भगवान चाहते हैं हमारा प्रेम, इसलिए मैंने बताया था कि भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, हम अंश भगवान का विस्तार है, ताकि हमारे साथ क्या बोलते हैं ये प्रेम का तो रस स्वीकार करें, इसलिए भगवान बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रेम से ऑफर करेंगे, जो भी प्रेम से ऑफर करते मैं स्वीकार करता, क्या स्वीकार करते, प्रेम स्वीकार करते, जहाँ पे प्रेम है भगवान तो स्वीकार करेंगे, जहाँ पे प्रेम नहीं है जितना भी आप 56 भोग भी खिलाए है ना भगवान तो स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसका उस एग्जाम्पल हमने सुने हैं ना दुर्योधन का, दुर्योधन भगवान को बुलाते हैं आमंत्रण देते हैं 56 भोग खिलाते हैं, भगवान लेते हैं क्या, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं खाया उधर, तो इधर सॉन्ग भी है ना उसके ऊपर जो है ना, बट विदुर जी के जाके विदुर रानी तो कर केला का छिलका खाते हैं क्योंकि उधर प्रेम है, दुर्योधन के पास प्रेम है क्या, तो इसलिए
जहाँ पे प्रेम है तो उधर भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए हम जब भी ऑफरिंग करते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, और जो भी चीज़ हम कार्य करते हैं भगवान को ऑफर करते हैं। जैसे हम निर्जला किए तो निर्जला में हमने अधिक जप किए, जप करने के बाद हम ऑफरिंग करते हैं ना भगवान को, चरण में अर्पित करते हैं, और भागवतम पढ़ने के बाद भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान आपकी कृपा से ये सेवा मैं किया हूँ, आपका चरण में अर्पित कर रहा हूँ। एक्चुअली गुरु के द्वारा हम अर्पित करते हैं, डायरेक्ट भगवान को अर्पित नहीं करते। तो अभी अर्पित करते हैं भगवान की, अर्पित कर रहे हैं ना, तो ये प्रेम से अर्पित करना। कुछ लोग नहीं करते हैं, चलो अभी हमारा ड्यूटी क्या है, 1 घंटा पढ़ना है, पढ़ लिया हो गया खत्म, चलो बंद करो, सोलह माला हो गया चलो हो गया, नहीं, भाव भावग्राही जनार्दन, तो भगवान क्या है भावग्राही जनार्दन, हमारा भाव चेक करते। आप बड़ा बड़ा चीज नहीं कर पा रहे, छोटा चीज कर रहे हैं, आपका भाव ऊंचा है तो बराबर रिजल्ट, जो बड़ा बड़ा चीज कर रहे हैं फिर भाव नहीं है तो उनको उतना कृपा नहीं मिलेगी। बड़ा बड़ी चीज कर रहे हैं मतलब इसका मतलब कि उनको कृपा है, भगवान उनसे करवा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दूसरों में दोष नहीं देखना है कभी भी, है ना, दूसरों का दोष कभी भी नहीं देखना है ना, हम हमारा खाना छोड़ के दूसरों का खाना को देखते रहे, अरे यार उनको ये भी चीज मिला है वो चीज मिला है, वो नहीं करना। हमारा भक्ति कर रहे तो प्रोटेक्टेड रह के, तो फोकस्ड भक्ति करना है ना, कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, कंपेरिजन अपने आप को करना चाहिए। तो कंपेरिजन कैसे करना चाहिए फिर बोल सकते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहले जो 6-7 श्लोक हैं वो प्रमाण लीजिए उसका, एज ए क्या बोलते हैं 100 मार्क्स है ना, टॉपर 90 मार्क्स, ठीक है और प्रयास करो, 80 मार्क्स और प्रयास करना पड़ेगा, 70 मार्क्स 40 मार्क्स फेल हो गए, तो वो 100 मार्क्स आप लोग क्या किए हैं कि एक प्रोग्रेस कार्ड ना, और ये मार्कशीट। तो हमारा भक्ति में मार्कशीट क्या है, भक्ति में मार्कशीट है हमारा गुण कैसे डेवलप हो रहे हैं वो कैसे चेक करें, जैसे ये अलग अलग जगह में ये चेक करने के पैरामीटर दिया है, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोक को आप पढ़ेंगे ना, मैं कर पा रहा हूँ ये जो करने की चीज बोला है, मैं कर पा रहा हूँ क्या, जो करने की चीज नहीं बोला है मैं छोड़ पा रहा हूँ क्या। और कभी कभी भगवद गीता में भी बहुत सारी जगह पे भगवान भी बताया, अदृष्ट अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा ये वचा, भगवद गीता 13 चैप्टर में, आई थिंक 12 चैप्टर, 12 चैप्टर में बताते हैं, तो ये भी हम प्रमाण ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह हम कुछ प्रमाण लेके तो हम चेक कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं बता रहा था भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, जो भी चीज हम कार्य करते हैं भगवान को एज ऑफरिंग करना चाहिए, ये चीज हम ये श्लोक से हमको पता चल रहे हैं। फिर बाकी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, तो जैसे वैष्णव वैष्णव समझते हैं कि डेमी गॉड्स का पोजीशन, किसी को अनादर नहीं करते हैं, प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि किसी को अनादर नहीं करते हैं, सबको रेस्पेक्ट करते हैं, ये कुछ चीज है। मेन पॉइंट है कि जो भी चीज हम भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, हम उनका दास है, जो भी चीज हम कार्य करते हैं भगवान की एज ए सेवा, एज ए भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इस सेवा से, ओके हम करना चाहिए, ये भाव रखना चाहिए एटलीस्ट, कर नहीं पा रहे वो अलग बात है, प्रयास कर रहे हैं वो, ये हम वैष्णव नहीं है बट वैष्णव बनने के लिए प्रयास कर, ये भाव रख। हरे कृष्ण, धन्यवाद।